So hey everyone, welcome to the channel with this new video, and this video is all about the important day of my life. इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में, तो इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। दरवाजे पर दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ा सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना। तो वैसे तो हमारा कॉन्वोकेशन था 3 मई को, लेकिन उसके जस्ट 5 डेज बाद मुझे इंडिया आना पड़ा और इसीलिए वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पाया। एनीवेज, इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 मई का दिन, जैसे ही मैं पता चला कि 3 मई को हमारा कॉन्वोकेशन फाइनल हो चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है, फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2 मई से। 2 मई को हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की। क्लासेस की वजह से हमें ऑडिटोरियम की परमिशन हमें नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस वगैरह थी, सो हमें ये सब यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही करना था। विराज सुबह मोबाइल बाद में देखी। देखो भाई, आज है हमारा कॉन्वोकेशन, लेकिन मेरा शक्ल ले लो पहले। ड्रायर लेके, हाँ भाई, ड्रायर वाला आ दिखाओ। बारिश, देखते हैं क्या होता है भाई। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। बीच हो, वाह वाह, नाइस। देखते हैं क्या रीजन रहेगा आज का। फाइनली 3 मई को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डे था हमारी लाइफ का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि पिछले 6 साल से हम लोग किसी एक कॉलेज में थे और फाइनली ग्रेजुएट होने वाले थे और नाम के प्रीफिक्स में डॉक्टर लगने वाला था। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं कॉन्वोकेशन के लिए। मौसम अभी भी, बारिश तो चली रही है बाहर, देखते हैं क्या होता है। गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे? बस अभी टैक्सी करने की ज़रूरत है 5 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल, एक्साइटमेंट है थोड़ी बहुत? बहुत एक्साइटमेंट है यार, शक्ल पे तो दिख ही रही है। अभी देखते हैं कॉलेज में। बालों पे भी दिख रही है? बालों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। चलो फिर मिलते हैं कॉलेज में। कॉलेज जाते ही हमने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। सारे लोग अपने अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को, और वो सारा बहुत अच्छा माहौल था, और हमने भी फिर उन्हें ज्वाइन किया। अच्छा, इस कहानी में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है, क्योंकि 6 ईयर की जर्नी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरी बहुत मदद की यहाँ तक पहुँचने में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की 6 ईयर की जर्नी में, बट कुछ कैरेक्टर जो डायरेक्टली इस कहानी से कनेक्टेड थे उनसे मिलते हैं। सो ये हैं डॉक्टर सुमित। लास्ट के 2 साल हम लोग साथ रहे थे, ये मेरे रूममेट थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ इनके साथ लास्ट के 2 साल। ये है डॉक्टर सिमरन, बहुत केयरिंग नेचर, जिसको कहते हैं ना ग्रुप में केयरिंग नेचर, वो ये है। इसके बाद है डॉक्टर ओमकार। डॉक्टर ओमकार के साथ बहुत वाइब्स मैच करती थी, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे। फाइनली ये है डॉक्टर दीपक, एक शायर भी है बहुत अच्छे और एक बड़े भाई जैसे। बस बढ़िया, क्या चल रहा है, कैसे फीलिंग आ रही है डॉक्टर बनने? बड़ा मुश्किल से मिला है ये पेपर। Focus up.